टाइट्रेशन कर्व्स। अच्छा हेडिंग लिखें, टाइट्रेशन कर्व्स पे। टाइट्रेशन कर्व्स क्या होती हैं जी, बता सकता है कोई? जी बेटा, टाइट्रेशन कर्व्स होते हैं, ये पहले A2 का पार्ट थे और अब ये AS का पार्ट हो गई है। ठीक है, टाइट्रेशन कर्व्स पहले A2 का पार्ट थी, अब AS का पार्ट हो गया। आपने जब अभी मई जून में AS का पेपर दिया था तब ये AS का पार्ट नहीं थी, अब जो आगे 2023 में AS का पेपर कंडक्ट होगा ये उसमें आएंगी। तो जो लोग कॉम्पोजिट दे रहे होंगे उनके लिए ये AS में आएगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो कोई इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई थिंक ये वैसे एग्जामिनर को शौक होता है कि टॉपिक जो है वो इधर उधर करता रहता है, ये एग्जामिनर को नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजन पैदा हो जाती है हर बच्चे के लिए। और इसीलिए हम आगे जो है वो टाइट्रेशन कर्व्स को देखते हैं। जी टाइट्रेशन कर्व्स के बारे में हम क्या बात करते हैं, अच्छा लिखने की मुझे जगह चाहिए जी। टाइट्रेशन, टाइट्रेशन किस किस में की गई है लैब में? जी वो तो आधे लोगों ने एग्जेम्पशन ली हुई थी तो उससे वो उन्होंने कहाँ की होगी इतनी में एक चीज। अच्छा जी, टाइट्रेशन अब कर्व की बात करें तो आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये आप देख लें कि एक आपके पास जो है वो ग्राफ है और इसमें कुछ वैल्यूज गिवन है। 0 पे 13 है, 2 पे 12.97 है, 4 पे 12.86 है, ब्ला ब्ला ब्ला, आगे ऐसी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, और इसके ऊपर मैं दोबारा आऊंगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अभी दोबारा आना है। ठीक है, कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो टेबल बना हुआ है इसे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ये देखें कि जब स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग एल्कलाई की टाइट्रेशन हो रही होगी तो पीएच रेंज ऑफ शेप राइज और फॉल ऑफ पीएच 3 से 11 होगी। ठीक है, और पीएच कोरिस्पॉन्डिंग टू एसिड 0.7 हो जाएगी, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एल्कलाई पर 3 से 7 होगी, और स्ट्रॉन्ग एल्कलाई वीक एसिड पर 7 से 11 होगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है जी, कोई बता सकता है? अब बैठ ही जाती हैं आप, खड़ा होने बात बाबू। बेटा आपने यहाँ पे ये ग्राफ देखा, ठीक है, आपने देखा कि यार यहां से लेके यहां तक कोई एकदम पीएच में चेंज आ रही है। ठीक है, आ रही है कि नहीं आ रही, एकदम पीएच डिक्रीज कर रही है। एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ आपने डाला है सब्सटेंस, ठीक है, आपने कम एसिड डाला है या एल्कलाई डाला है, जो भी डाला है वो आपने थोड़ा सा डाला है तो एकदम चेंज आ गई है पीएच में। ठीक है, और ये जो है आप देख सकते हैं कि ये चेंज कहाँ से तक है, ये 3 से 11 है। तो 3 से 11 की हमने क्या बात की थी कि 3 से 11 होगा तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कलाई की जो है वो टाइट्रेशन हो रही है। तो 3 से 11 आपने देखा कि हो सकता है। ठीक है, इसी तरह हम आगे, ये जो है ये वर्टिकल रेंज होती है और इससे आपने देखना होता है कि आपको क्या चीज जो है किन दो चीजों की टाइट्रेशन हो रही है। अब इसके बारे में एक और बात मैं ये भी करता चलूं कि क्वेश्चन आता है जब पेपर में, सीआई में क्वेश्चन आता है जी कि आपको क्वेश्चन दिया होता है, आप सारा कुछ फाइंड करते हैं, सारा एक ग्राफ टाइट्रेशन कर्व बनाते हैं। ठीक है, फिर आप उसमें को ये भी बताते हैं कि यार ये किन दो चीजों की टाइट्रेशन हो रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कलाई किस चीज की है, वीक एसिड वीक एल्कलाई किस चीज की टाइट्रेशन है, आपने ये बताना होता है। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है पेपर में कि वो आपको ग्राफ दे देता है और पूछता है कि क्या ये बताएं कि भाई ये किस चीज की है। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे आगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो है ये किस तरह आपने उसको करना है। फिलहाल के लिए आप ये लिखिए कि जी द मिड पॉइंट ऑफ द रेंज इज पीएच कोरिस्पोंडिंग टू एंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट कोरिस्पोंडिंग टू एंड पॉइंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा बहुत सारी चीजें, घबराना नहीं है आपने।
ठीक बेटा, ये आप देखें कि ये हमारे पास अब एक जो है वो टाइट्रेशन कर्व बना हुआ है। अब ये टाइट्रेशन कर्व हमें क्या बता रहा है कि यार ये देखो, ये पॉइंट ए जो है ये इनिशियल पीएच ऑफ फ्लास्क थी आपके पास, ठीक है, और ये जो पॉइंट बी है तकरीबन कोई यहाँ पे है, ये आपके पास इनिशियल पीएच ऑफ ब्यूरेट थी जिसको आपने अप्रोच कर रहे हैं जिसको आप, ठीक है, और ये जो सी है ये वर्टिकल रेंज, ठीक है, ये क्या कह रही है, वर्टिकल रेंज है, ठीक है, ये जो है आपको बता रही है कि यार तकरीबन ये है 3 से 7 है पीएच की चेंज तकरीबन, तो 3 से 7 हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एल्कलाइन, ठीक है, ये है। तो आपने ऐसे जो है वो कभी कभी बताना भी होता है और करना भी होता है। अच्छा जी, अब आगे आते हैं क्वेश्चन की तरफ से, क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी जो है वो जहन में कोई बात आए कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। एक सेकंड देना मुझे। गिव मी वन सेकंड माय बेटा। क्वेश्चन ही निकाल रहा हूं आपके लिए। अच्छा जी, आपके पास क्वेश्चन ये है, इक्वेशन है NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। NaOH की जो आपके पास है वॉल्यूम वो 25 cm³ है, ये 10 cm³ है, ठीक है, मोल्स की बात की जाए तो 0.1 मोल जो है कॉन्सेंट्रेशन इसकी 1000 cm³ 0.1 मोल पर dm³ है, 25 cm³ NaOH है तो एक्स मोल होंगे, तो एक्स मोल कितने हो गए, 2.5 × 10⁻³। कॉन्सेंट्रेशन इसकी क्या थी, 0.1 मोल पर dm³। अच्छा, ये आ जाता है 0.0025, और ये 10 cm³, ये 0.1 मोल पर dm³ है NaOH, ठीक है, तो ये जो होगा ये 0.001 जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 0.001, 0.001, ये भी 0.001, 0.001, ठीक है, 0.0015 काट दो, 0.001, 0.001, ठीक है, एक्स मोल में 1000 cm³ है, 35 cm³ जो टोटल वॉल्यूम है उसमें जो है वो आप कह रहे हो 0.0015 मोल है, तो एक्स में कितने हो जाएंगे, 0.0429 मोल पर dm³ आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई सोल्यूशन की। अब पीएच इज इक्वल टू -log OH, -log 0.0429 माइन, तो ये आंसर आ जाता है 1.36। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, पीएच इज 14 माइनस 1.36, 12.63, आपके पास पीएच आ गई, ठीक है, बिल्कुल नहीं समझ आया, अगला क्वेश्चन करते हैं आपको समझ आएगी इंशाल्लाह, देखिएगा समझ आई ना, बिल्कुल नाम बदल दीजिएगा मेरा। नहीं जी, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें। कह रहा है कि 1 मोल dm³ NaOH को स्लोली एडेड टू 10 cm³ ऑफ HCl सॉल्यूशन, ठीक है,
ये वही क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, ठीक है। NaOH प्लस एच सी एल, पूरी इक्वेशन लिखनी, NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये A1 मोल पर डीएम क्यूब है, ये भी 1 मोल पर डीएम क्यूब है। 1 मोल में 1000 cm³ है, 0.01 मोल में xCm³ होंगे, ठीक है। ये 10 cm³, ठीक है। हाँ, ये 10 यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो x क्या होगा, 10 cm³ आ जाता है आपका, ठीक है, 10 cm³। ये वाला ठीक है। पीएच ऑफ फ्लास्क 0, पीएच ऑफ ब्यूरेट 14, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट 10 cm³। वर्टिकल रेंज क्या होगी? अब ये भी यार वर्टिकल रेंज है। वर्टिकल रेंज आप कैसे डिटरमिन करेंगे? आप अल्कलाई और एसिड को देखिए करेंगे। अल्कलाई और एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, स्ट्रॉन्ग अल्कलाई है NaOH, जिसकी वजह से जो वर्टिकल रेंज है वो आपके पास होगी 3 से 11, ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आप कुछ ऐसे हो जाएगा इसका, नहीं सॉरी, ऐसे नहीं हो जाएगा, कुछ ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप बस 10 आगे डालते रहो, वॉल्यूम डालते रहो। ये पीएच होगा, यहां से यहाँ पे कोई 3 होगा, यहाँ पे 11 होगा, और सबसे ऊपर 14 होगा, यहाँ पे 0, ठीक है, ऐसे 15 20, ठीक है, 5, ठीक है। तो ऐसे आपके पास जो है वो ये बन जाएगा सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक चीज जो है वो शेयर करना चाहता हूं। 2 मिनट्स प्लीज, मेरा 2 मिनट्स दें मुझे, अभी जो है वो आपके साथ शेयर हो जाएगी। आई एम श्योर बेटा, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो। अच्छा जी, मैंने ये स्क्रीन शेयर कर दी है। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो हैंड रिटन लिखे हुए हैं, मेरी अपनी लिखाई है, इतनी प्यारी है देखने। अच्छा जी, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये हर टॉपिक जो हम करेंगे इंशाल्लाह, इक्विलिब्रिया का जो किया है और जो करेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मौजूद। लेकिन बात यह है कि सिर्फ चंद क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नहीं है पास पेपर के। हर टॉपिक के कोई 3 या 4 या 5 मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, वो आप कर लें, और उस तो आपके पास एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और इंशाल्लाह आप जब पास पेपर्स करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, और इंशाल्लाह आप टॉप करेंगे इंशाल्लाह। तो बात यह है कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ईमानदारी के साथ ये क्वेश्चन जो है वो करते हैं, छाप के नहीं करने, देख के नहीं करने, ठीक है। अच्छा जी, ये आप देखिए कि ये हमारे मैंने एक टाइट्रेशन कर्व बनाया हुआ है, और ये ABCD मैंने 3 वैल्यूज लिखी हुई है। ए पर मैं कहता हूं कि ये इक्वेशन है, ठीक है, और ये जो इक्वेशन है उसमें CH3CO2H की 1 है, NaOH 1 है, ठीक है। ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.1, ये 0.1, ठीक है, ये काट गया, ये 0.9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.9 जो है वो ए पर हमने शो कर दिया, ठीक है। इसी तरह बी पर आप देखें,
कि हमने कहा कि 1 है 0.5, ये 0.5 0.5 ठीक है, ये 0.5 हो जाएगा, 0 ये 0 हो जाएगा, ये 0.5 ये 0.5, तो हमने वहां पर भी बी पर 0.5 हमने शो कर देना है। ठीक है, सी पर इसी तरह देखें, यहाँ पर भी 1 1 1 1 ठीक है, 1, तो ये 1 1 कैंसिल, 0 0 1 1, तो प्रोडक्ट्स पर ही 1 आ रहा है। तो सी पर आप देखिए कि हमने यहाँ पे 1 शो कर दिया। डी पर जो है वो 1 और 2 है, तो इसी तरह हमने डी पर क्या कहते हैं क्या शो कर दिया कि भाई यहाँ पर डी का पॉइंट जो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि ये, और ग्राफ टाइट्रेशन कर्व जो है वो ऐसे बना दिया, और इसकी जो वर्टिकल रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। ठीक है, ये वर्टिकल रेंज होगी इसकी। ठीक है, अच्छा जी, गुड हो गया। जी ये वाला क्वेश्चन देखिए, टाइट्रेशन कर्व का ही क्वेश्चन है, मैं वापस प्रेजेंटेशन पर नहीं जाता, इधर ही आपको करा देता हूँ जी। 20 cm³ ऑफ 0.1 मोल पर dm³, ये क्वेश्चन एक ही दफा देख लें, फिर मैं इसको इरेज वो कर दूंगा, हटा दूंगा ताकि मैं लिख सकूं, तो क्वेश्चन एक ही दफा देख। पढ़ लें क्वेश्चन, ट्राई भी कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह आप करें अगर आपको आता है। क्वेश्चन अच्छा जी, उसने कह दिया है, हमें बता दिया कि 50 cm³, इक्वेशन लिख लो पहले, चल NaOH प्लस CH3 CO2H जो है ये आपको क्या देता है, CH3 CO2 Na प्लस H2O। ठीक है, दे दिया आपने इसको, 20 cm³ बस 0.1 मोल पर dm³, मोल निकालने, 0.1 मोल रेड में लिख लेते हैं ना क्योंकि अब काम कर, 0.1 मोल जो है वो 1000 cm³ में है, तो 20 cm³ में एक्स मोल है, एक्स क्या आता है 2 × 10⁻³ - 3 मोल्स ऑफ NaOH। सिमिलरली 0.1 मोल 10 cm³, मोल 1000 cm³ में है, 10 cm³ में एक्स मोल, एक्स क्या क्या आती है 1 × 10⁻³ - 3 मोल्स आ गई। अच्छा जी, क्वेश्चन आपने सबने लिख लिया था, तो मैं आप क्वेश्चन को वाइप आउट करने शुरू कर रहा हूं। देखो ना माँ, वाओ खूबसूरत नहीं हो गया ब्लैक सा, अच्छा जी, आपने कह दिया कि यार ये NaOH है, ये Na पॉजिटिव बनाता है और OH नेगेटिव बनाता है, NaOH जो है इसके 2 × 10⁻³ है, तो OH नेगेटिव के भी इतने ही मोल्स होंगे। ठीक है, और इससे आप POH निकाल लेते हो, -log 2 × 10⁻³, क्या आता है 2.7, POH 2.7। ठीक है, एक मिनट बता रहा हूँ, H पॉजिटिव 1.7 × 10⁻⁵ जो कि एक ही वैल्यू थी, और 0.1 ठीक है, 1.3 × 10⁻³, तो pH जो होती है वो 2.88 आ रही है। ठीक है, ओके,
अब इसका जो है वो ग्राफ कैसे बनेगा? कहाँ गया ये? अब इसका जो है वो आपने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ आप बनाएंगे, यहाँ पे लेबलिंग स्टार्ट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। और जो पीएच की स्टार्ट पॉइंट है वो 2 है, 1 2, यहाँ से 2.88, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे, ठीक है। वर्टिकल रेंज अब क्या है इसकी? तकरीबन ये है इसकी वर्टिकल रेंज जो है वो बन जाएगी, ठीक है। और इसकी वर्टिकल रेंज जो है वो तकरीबन 7 से 11 बनेगी, ठीक है। क्यों 7 से 11 क्यों बनेगी? क्योंकि एक आपके पास स्ट्रॉन्ग एल्कलाई है NaOH, और एक वीक है एसिड है CH3CO2H, ठीक है। तो इसलिए इसके पास जो है वो वीक वो बनेगी पिक्चर।